कराऊंगा, पर मैं अभी अभी, अभी आपको बता रहा हूँ धन प्रभु की ओर से है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है चोर चोरी करने, नाश करने और तो शैतान क्यों आता है? पैसा देने? वो चोरी करने आता है जो आपके पास है, वो आपको कंगाल करने आता है, वो आपको बीमार करने आता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने नाश करने घात करने आता है, पर मैं आया हूँ जीवन देने और बहुताई का जीवन देने। ये यीशु का। तो बाइबल बोलते सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। क्या मांगा? बुद्धि, समझ और बुद्धि। आए दिया पढ़ोगे प्रकाशित नीति वचन में, बुद्धि के दाहिनी ओर धन है, बाईं ओर महिमा है। सुलेमान को नीति वचन उसी ने लिखा, और लिख रहा है बुद्धि के दाईं ओर क्या है? धन, और बाईं ओर क्या है? और बुद्धि के पास क्या है? लंबी आयु है। यदि तू उसको पाएगा तू लंबी आयु को पाएगा। यदि आप पढ़ोगे जाके नीति वचन 8 में, मांगा बुद्धि और समझ मांगा, और प्रभु बोलता है मैं क्या हो गया? बोलता है इसलिए तूने धन और महिमा अपने दुश्मनों का वो नहीं मांगा, मैं तुझे धन भी दूंगा। और तो एक्चुअल में धन देने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है, डेविल नहीं है। यदि आप ये बोल रहे हो मुझे नहीं पता आप कौन सा बाइबल पढ़ते हो। एक धन जिसमें दुख नहीं है वो परमेश्वर की ओर से आता है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें आप समझ रहे हो? तो प्रभु क्रूस के ऊपर ऐसे ही नहीं टंगा था हमारे पापों को ले जाने के लिए बस, हमारे शरापों को खत्म करने के लिए बस, नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर टंगाने का मतलब कुछ बड़ा था, कुछ बदलाव हुआ है क्रूस के ऊपर, कुछ बदलाव हुआ है ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसने हमारे शरापों को ले लिया क्रूस के ऊपर, उसने हमारी बीमारी को ले लिया क्रूस के ऊपर, उसने हमारी गरीबी को ले लिया क्रूस के ऊपर। आज हमारी गरीबी कहां पे? आज हमारी बीमारी कहां पे? बोलो क्रूस के ऊपर। आपको समझ आ रही है? इफिसियों 1:3 पढ़े जल्दी से। उसने मसीह में क्या किया? उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। कितने प्रकार की? सब प्रकार की। कितने प्रकार की? सब प्रकार की। कुछ कुछ प्रकार होगा भैया, बच में लिखा है सब प्रकार की। क्या आज आप मानते हो कि परमेश्वर ने आज आपको ब्लेस कर दी हुई है? अब्राहम को पता है क्या रिमेंबर कराता था? बोलता है मैं तुझे क्या कर दूंगा? तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। बोलता मैं तू मूल होगा, जातियों का क्या होगा? तू मूल होगा, ब्लेसिंग्स का तू मूल होगा। आपको समझ आ रही है? मूल समझते हो? जहां से ब्लेसिंग्स निकलती है। इसलिए गलातियों में लिखा हुआ है विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के संतान है, और उसके आशीष के क्या है? पार्टिक है। आपको समझ आ रही है? उनको मेरी बात समझ रहे? चलो मैं बाइबल से प्रूव करूंगा परमेश्वर खुश होता है कि नहीं। पैसों में 35 सुनो, जो मेरे धर्म से क्या रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करें। हालेलुया। आगे निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। अपने दास की प्रोस्पेरिटी से, इंग्लिश में लिखा हुआ है अपने दास की प्रोस्पेरिटी से, समृद्धि से खुश होता है। तो यदि आज हम क्या है? गरीबी में है, वो क्या है? दुखी में। बाइबल बोलती है वो अपने दास की कुशल, ग्रीक में लिखा हुआ है प्रोस्पेरिटी से, समृद्धि से, अमीरता से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। वो चाहता है कि आप प्रॉस्पर रहो, वो चाहता है कि आप रिच रहो, वो चाहता है कि आप समृद्धि में चलो। आपको समझ आ रही है? अगर तो ऐसे आप समृद्धि में भी बढ़ते जाओ, परमेश्वर का यह इच्छा है। जिस चीज को आप नफरत करते हो ना वो चीज कभी नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल पता है क्या बोलती है? तुम दो स्वामी की सेवा, इसका मीनिंग पता है? हम लोग तो परमेश्वर मना कर रहा है पैसों के लिए, लोग हमें ना वचन का नॉलेज नहीं है। राइट, बोलते दो स्वामी की सेवा, पैसा और परमेश्वर की सेवा। हमें लगता है प्रभु को सेवा करने से हमें दुख मिलेगा। एक दिन पूछता है पत्रस, पूछता है प्रभु हमने तेरे लिए सब चीज छोड़ दिया, अपना घर अपने बच्चे हमने किसको छोड़ दिया? सब चीज तेरे राज्य के लिए छोड़ दिया। यीशु बोलता है यदि तूने मेरे राज्य के लिए सब चीज छोड़ा उसको 100 गुना इस संसार में ब्लेसिंग मिलेगा, घर मिलेगा, बरकत मिलेगा। आप पढ़ सकते हो मती में। तो प्रभु के पीछे चलने का मतलब नहीं आप गरीबी में जियोगे। नो, प्रभु
प्रभु के पीछे चलने का मतलब है उसकी ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में पैसों को समृद्धि को खुशी को लेके आता है। तब आप बता सकते हो मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर।